नमस्ते दोस्तों, ये रंगीन सैंडविच सब्जियों से भरा हुआ और चाय अगर ब्रेकफास्ट में मिल जाए तो मज़ा आ जाए, लेकिन अगर बनाना नहीं आता तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है जो पहली बार इस तरीके का सैंडविच खुद बनाना चाहते हैं। इसके लिए हमें खीरा, थोड़ा सा टमाटर और एक पनीर का स्लाइस, कुछ बटर मिल जाए तो मज़ा आ जाए। तो इनको सबसे पहले काट के रख लेना है, मोटा पतला जैसा भी काट लें। अब हमें चाहिए 2 ब्रेड के स्लाइस और हमेशा बटर इस पर कॉर्नर से लगाना शुरू करना चाहिए। बीच में अगर हम बटर शुरू में ही लगा देते हैं तो उसको फैलाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बीच की ब्रेड सॉफ्ट है, सारा बटर एब्जॉर्ब कर लेती है और फिर अगर हम उसको नाइफ से फैलाते हैं तो वहाँ से कट भी सकती है, क्योंकि ये सैंडविच की रेसिपी उनके लिए जो पहली बार लगा रहे हैं, जो बनाते रहते हैं करते रहते हैं उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन न्यू कमर्स के लिए थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए। तो सबसे पहले बटर हमेशा कॉर्नर में लगाएं। अब इसके बाद जो हमने टोमेटोज और कुकुम्बर काटा है उसको अलग अलग इस सैंडविच के ऊपर प्लेट करना है, क्योंकि एक के ऊपर एक रख देते हैं तो जब हम खाते हैं तो वो टूट जाता है, बिखर जाता है और मज़ा ख़राब हो जाता है। अब एक छोटा सा पनीर का स्लाइस बिल्कुल पतला पतला काट के इसको इस ब्रेड के ऊपर जो हम सैंडविच बना रहे हैं उस पर रख देना, और हमेशा तिरछा रखना है ताकि जब हम इसको तिरछा काटेंगे तो हम जब खाएंगे तो वो मुंह में इक्वल आएगा। अब इसमें हल्की सी काली मिर्च डालनी है जो कि गले के लिए बहुत अच्छी है। ये सैंडविच अगर थोड़ा गला ख़राब है तो वो लोग भी खा सकते हैं। अब हल्का सा टेस्ट के हिसाब से नमक डालना है। मैं इसमें किसी तरह की कोई सॉसेज नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि सॉस डालने की कोई रेसिपी बताने की ज़रूरत नहीं है, वो अपनी इच्छा अनुसार आप डाल सकते हो। अब इसको हम बीच में से तिरछा काट देंगे, हल्का सा हाथ का सपोर्ट देंगे और ये आराम से कट जाता है। बस चाकू को नीचे प्लेट तक टच करना है ताकि वेजिटेबल्स और जो चीज़ हमने डाला है वो भी कट जाए। और इस तरीके से इसको हम खोल कर देखेंगे तो इतना कलरफुल है कि देखते ही खाने की इच्छा होने लगती है। अगर चाहें वैसे ही खा जाएं, अगर थोड़ा डेकोरेट करने का मन है तो वो भी कर सकते हैं। उसके लिए मैंने इसमें कैबेज का एक पूरा पीस ले लिया है, बिना काटे उसको रख दिया, और ये छिलके जो मैंने सबसे पहले आपको दिखाए थे इस पिलर से हमने इनको निकाला है, इनको डेकोरेट कर दिया, क्योंकि ये तो हमें खाने नहीं है, फेंक देने हैं। ये वाले जो पीसीज हैं छिलके के, ये यहाँ रख दिए। ये कैबेज का पीस जो है चाहें तो खा भी सकते हैं। और उसके अलावा फिर उसी कैबेज के थोड़े से पतले पतले लच्छे काट के इधर उधर फैला दिए और सैंडविच तैयार हो गया। तो जो पहली बार ये सैंडविच बनाना चाहते हैं देख लें कि कितना ज़्यादा आसान है इसको बनाना। अब इसके साथ मैंने बनाई थी अदरक वाली चाय और बनाया है ब्रेकफास्ट के लिए। वैसे आप चाहें तो आप कभी भी बनाएं और खाएं, क्योंकि इसमें ज़्यादा सामान भी नहीं लगा है और ये सेहत के लिए भी अच्छा है। इस तरह की और वीडियोस अगर आप देखना चाहते हो तो मेरे चैनल पर देख सकते हो। तो जो पहली बार कोई कुकिंग की चीज़ करना चाहते हैं ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उस पर बहुत सारी वीडियोज़ आपको ऐसी ही मिलेंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।